हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी करारे प्याज के पकोड़े, और इनको हम एक अलग तरीके से बनाएंगे। और इनको क्रिस्पी करने के लिए आपको चावल का आटा नहीं लगेगा, सूजी नहीं लगेगी, सोडा नहीं लगेगा, और ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ डालनी पड़ेगी क्रिस्पी करने के लिए। तो यहाँ पर हमने लेनी है 2 कटोरी बेसन, या आप 2 कप से भी मेज़र कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, और थोड़े से चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो हरी मिर्च भी ले सकते हैं। थोड़े से कड़ी पत्ता मैंने बारीक करके ऐड कर दिए हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे और एक चम्मच की हेल्प से इसको घोल तैयार करेंगे इसका। तो ये देखिए, इस तरह का कुछ घोल तैयार होना चाहिए, न बहुत ज़्यादा गाढ़ा न बहुत ज़्यादा पतला। अब हम इस घोल को कुछ देर के लिए साइड में रखते हैं। यहाँ पर मैं अब ले रही हूँ 2 प्याज और 2 आलू छील के, और प्याज को हम इस तरह की स्लाइसेस में कट करेंगे। ये देखिए, स्लाइसेस कुछ इस तरह की होनी चाहिए, न बहुत ज़्यादा पतली और न बहुत ज़्यादा मोटी। इसी तरह से सारी स्लाइसेस हम कट कर लेंगे। एक बोल में यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, और जो आलू छील कर रखे थे उसको हम कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम प्याज के जो पकौड़े बना रहे हैं थोड़े अलग तरीके से बना रहे हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो हम सारे आलू जो हैं, 2 आलू जो मैंने यहाँ पर लिए हैं, उसको हम कद्दूकस कर लेंगे, और पानी में इसलिए डाल रहे हैं ताकि वो एकदम से काले ना पड़े। तो इसी तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे आलू को। और अब हमने इनको अच्छे से धोना है 2 या 3 पानी से, या फिर आपको 4 या 5 बारी भी इनको धोना पड़ सकता है, जिससे ये आलू का जो स्टार्च है वो अच्छे से निकल जाएगा और आलू एकदम लच्छेदार बन के तैयार हो जाएंगे। पानी हमने निथार लेना है, अच्छे से निचोड़ लेना है, पानी को इसमें से अलग कर लेना है। अब हम आलू के लच्छों को बेसन के घोल में मिला देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको। तो ये देखिए, यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है और घोल भी थोड़ा गाढ़ा हो गया है। और अब हम लेंगे प्याज की स्लाइस और इसको हम अच्छे से कोट कर लेंगे बेसन के अंदर, ये देखिए इस तरह से, ताकि आलू के लच्छे भी हैं जो हैं इस पर चिपक जाएँ, अच्छे से कोट हो जाए, और इसी से ये क्रिस्पी होंगे। आलू के जो लच्छे हैं उन्हीं से ये क्रिस्पी होंगे। आपको बाकी कुछ भी इसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से मीडियम हीट पे। तो यहाँ पर जब एक तरफ से ये ब्राउन हो जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए, तो इनको हम पलट लेंगे, और हमने हीट मीडियम ही रखनी है ताकि पकौड़े एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हों। और ये देखिए, यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं अच्छे से, इनको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, आपको देख ही पता चल रहा होगा कि पकौड़े कितने करारे और क्रिस्पी बने हैं। थोड़ी सी हरी मिर्च भी मैंने यहाँ पर फ्राई कर ली थी, और थोड़े से कड़ी पत्ता भी फ्राई करके मैंने पकौड़े बना लिए थे। ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं इसके साथ। तो आपको ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।